कब ली थी भाई साहब वेंटो? ये 2019 है। 2019 मॉडल। ओके, सिंगल ओनर हो आप। कितने आलमसम आपने चला के रखी है गाड़ी लेते हुए, लेने के बाद? 71,000 किलोमीटर डन हो गए। बहुत चला रखी है डीजल में आपने। अच्छा, पीछे जब भाई साहब अभी कभी बैठे नहीं हो, अभी आज इस कैमरा के सामने आप बैठ के दिखाओ ऑडियंस को कि जरा हम भी देखें कि कितना जो है वो कंफर्टेबल है आपके लिए। ओके, कैसा है अभी, हाउ इज योर फीलिंग? कैसे फीलिंग है? बहुत कंफर्टेबल। बहुत कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो। अच्छा, ये वाला पोर्शन थोड़ा अटक रहा है आपकी, जैसे फिजिक वाले जैसे बैठता है तो थोड़ा सा ऐसा आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो इस गाड़ी के साथ आराम से। और यहाँ पे आर्मरेस्ट तो आता ही है। खैर, आपको क्या लगता है, 5 पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल है ये? 5 तो हो रहा नहीं थी, 4 कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेडान की एक खासियत एक बात होती है कि एक चिपक के चलती है रोड पे, रोड नहीं छोड़ेगी आपका। ऐसी भी थोड़ी सी ऐसी वॉबल करेगी अगर आप हाई स्पीड पे इधर उधर करते हो तो। लेकिन एक एज अ सेडान लवर आप क्या कहोगे, एक फोक्सवैगन की तरफ आप चले गए, दूसरी अगर कोई देखते हो, अगर कोई देखता भी है, इससे ये लेने से पहले कौन सी आपने मन में सोच के रखी थी गाड़ी, दूसरी कोई लूंगा इसी प्राइस सेगमेंट में? सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, यही था मेरे दिमाग में। मतलब इतने प्यार है जर्मन में तो जर्मनी तरफ चले गए, इससे बाद में क्या जर्मनी लेने का सोच रहे हो? ऑडी तो ऑक्टाविया के लिए सोचा था मैंने, छोड़ा वही तो मेरे पास जर्मनी थी, पोलो। पोलो तो पोलो से यहाँ शिफ्ट हुए, मतलब आपको पता है कितनी क्वालिटी होती है उनमें। एक बार जिसने जर्मन ले लिया वो जर्मनी जाता है, ये बात है, जर्मन जो लेगा वो जर्मनी लेगा। हेलो भाई, मैं ओमकार। ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हो फिलहाल, इसको कौन नहीं जानता भाई, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ना गाड़ी वोक्सवैगन की। अब पोलो बोलोगे कि वेंटो बोलोगे आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, ये देख लो, आवाज़ देख लो, टीडीआई इंजन की आने लगती है, इसमें पता कर सकते हो आपकी डीजल इंजन है। अब जो भाई साहब ये प्योर जर्मन, अब आज की रेट में एसयूवी का ज़माना है, फिर भी ये भाई साहब जो है वो सेडान अर्न करते हैं। अब जो ओनरशिप रिव्यू मैं कराने जा रहा हूँ ना, वोक्सवैगन की तरफ काफ़ी आज के रेट में कम जा रहे हैं बंदे, जो भी आप देखोगे तो ये वोक्सवैगन बहुत कम नज़र आएगी सेडान में, क्योंकि सेडान का एक तो ज़माना चला गया और लोग सेडान लेना इतना पसंद नहीं करते। फिर भी ये भाई साहब जो है वो एसयूवी को छोड़ के वो जो पैसे है वो वोक्सवैगन को उन्होंने दे दिया, और आज के रेट में एक एसयूवी है महिंद्रा जैसी, या फिर महिंद्रा ट्रेंडिंग मैच है, फिर टाटा हैरियर जैसी बड़ी गाड़ी लेने के बजाय उन्होंने जो है एक जर्मन एक प्योर कंफर्टेबल गाड़ी ली है, जो भी उसका नाम है वोक्सवैगन की टीडीआई वेंटो डीजल। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, एक प्रीमियम सी दिखने वाली गाड़ी जो ओनर अर्न करते हैं ना उनसे थोड़ा मिला देते हैं। सबसे बड़ी भाई साहब स्वागत है अपने चैनल में ओमैज 007। आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम क्या है आपका? हाय, थैंक्स, माय नेम इज महेश देशमुख। महेश देशमुख जी, क्या करते हो बेसिकली? मैं लॉजिस्टिक का बिजनेस है मेरा। अच्छा, मस्त, एकदम अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, कब ली थी भाई साहब वेंटो? ये 2019 है। 2019 मॉडल। ओके, सिंगल ओनर हो आप। कितने आलमसम आपने चला के रखी है गाड़ी लेते हुए, लेने के बाद? 71,000 किलोमीटर हो गए। 71,000 किलोमीटर डन हो गए। बहुत चला रखी है डीजल में आपने। अब एक बात बताओ, हालांकि कि ये 2019 तो छोड़ दो, 20 से जरा एसयूवी का ट्रेंड आ गया 19 और 20 में, तो 19 में एक 20, हालांकि ऑन रोड कितने में पड़ी आपको ये? ऑन रोड मुझे ये 16 लाख रुपये। टॉप मॉडल है ये मैनुअल में, उससे ऊपर एक आ जाता है ट्रेंडिंग के ऊपर जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉक कन्वर्टर। ओके, अब ये मैनुअल 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है। ये गाड़ी का लेने की मतलब सोच कैसे आपकी, मतलब किसकी एडवाइस थी ये वोक्सवैगन की वेंटो? पहले मेरे पास जर्मनी थी पोलो। पोलो तो पोलो से यहाँ शिफ्ट हुए, मतलब आपको पता है कितनी क्वालिटी होती है उनमें। एक बार जिसने जर्मन ले लिया वो जर्मन ही जाता है। ये बात है, जर्मन जो लेगा वो जर्मन ही लेगा, क्योंकि उनके प्यार जो होता है। लेकिन एक बात बताओ, एज अ ओनर आप ये गाड़ी रखते हो, मतलब 2019 अभी तो 2.5 साल ऊपर हो चुके हैं गाड़ी को, इन गाड़ियों का आज के रेट में अगर देखोगे, एसयूवी का जमाना बढ़ रहा है, सेडान तो काफ़ी मतलब छोटी गाड़ियाँ कम होने लगी है, तो एक तो वो बात है और दूसरी बात है कि ये जर्मन है, तो आपको ऐसा नहीं लगता एज अ ओनर कि आफ्टर फ्यू इयर्स आप इसको सेल करते हो तो थोड़ी रीसेल में ये थोड़ी गड़बड़ करेगी, कम देगी रीसेल वैल्यू? ऐसा नहीं लगता होती ना, ये रीसेल के लिए होती नहीं, होती नहीं, सिर्फ भगाने के शौकीन जो होते हैं। आप लो और आपके पास ही रखो, आपके पास ही रखो। पोलो भी है और ये भी है। अच्छा, पोलो आपको पता है कितनी डीजल ही, वो भी डीजल रहती है भाई? पेट्रोल है या डीजल है? वो पेट्रोल। अच्छा, पावरफुल कौन सी लगती है इंजन चलाने में? डीजल है, पिकअप के मामले में पेट्रोल अच्छा है, बट जब वो हाई स्पीड लेती है, ये हाई स्पीड लेती है। अच्छा, अच्छा एक बात बताऊं भाई साहब, आप मैं बार बार तो बोल दिया मैंने, जरा बैठ के तो, लॉक है गाड़ी, बैठ के तो दिखाओ भाई साहब गाड़ी में, जरा
कैसे नजर आता है। आपके जैसे फिजिक वाला इंसान जब अगर बैठता है अंदर पहले गाड़ी में, ओके, तो आपको ऐसे मतलब थोड़ी परेशानी होती है अंदर? सेडान है, एक तो नीचे झुक के जाना पड़ता है, तो कंफर्टेबली बैठ पाते हो? कंफर्टेबल है, ये सेडान का वही खासियत होता है कि आपको लीन पोजीशन मिलता है और वो बहुत परफेक्टली कंफर्टेबल है। और आज तक मतलब इनमें जाने जाते हैं ये जो फोक्सवैगन की गाड़ियां है ज्यादातर की, या फिर स्कोडा की गाड़ियां हो, इनके ड्राइविंग डायनेमिक्स काफी तगड़े होते हैं, मतलब हाई स्पीड में वो चिपक के चले, ये बात सच है? ऑडियंस को भी बताना ये क्या क्या आपने फेस किया। अराउंड 160 140 स्पीड पे ये बहुत स्मूथ चलती है। आपने 160 चला करके ये गाड़ी को हाईवेज पे? हाईवेज पे आराम के साथ चल रही है, जहाँ पे मतलब अलाउड है जैसे। नहीं वो तो छोड़ दो, लेकिन मान लो अगर आप, मैं 100 के ऊपर भी भगा तो 100 तो छोड़ दो, 140 150 भी मार, मतलब जहाँ पर इंटरसेप्टर्स नहीं होते, नॉर्मली रोड्स होते एक्सप्रेस वे, ऐसा लगा है कभी गाड़ी ने कंट्रोल छोड़ा हो और गाड़ी ऐसी वॉबल कर रही हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस उस टाइम ना आया हो? टेक्नोलॉजी में जो जर्मन का जो हाथ है वो कोई नहीं पकड़ सकता, पकड़ नहीं पाएगा कोई, और उनका वही खासियत है सेफ्टी एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स। ओके, ब्रेक कैसे है भाई साहब गाड़ी के? ब्रेक अच्छा है इसमें, मतलब ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल तो भाई साहब कहाँ पे आता है इस गाड़ी में? ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है। ऑटो अभी ये जर्मन होते हैं उल्टी सोच वाले होते हैं, अब ये बात आपको खटकती है, देख लो ट्रैक्शन कंट्रोल तो इसे इनबिल्ट भी होता है कुछ कुछ गाड़ी को, इसमें भी होगा ऑटोमेटिकली भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करती होगी गाड़ी। अब एक आपको एक बात बताता हूँ एज अ ओनर, ये जो है ना ये वाइपर के कंट्रोल आमतौर पर ये गाड़ी के नॉर्मली यूजुअली कहाँ पे होते हैं? इस साइड होते हैं, ओके, और हेडलाइट के लेवलर यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे आपने तो पहले तो आप जर्मनी रखे हो तो आपको तो ये उसकी आदत पड़ गई होगी, तो थोड़ी बहुत आप क्रेटा कभी किसी फ्रेंड की चलाई हो या फिर सुजुकी की चलाई हो, थोड़ी बात मन में ऐसे मतलब झिझक नहीं होती, खटकती नहीं है बीच बीच में, ऐसे गलती नहीं होती? नहीं, ये वो तो क्या एक आपका हैबिट है, अगर आपने माइंड को बता दिया कि दूसरा गाड़ी तो समझ आता है, फिर भी एक बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइपर चल जाता है ऐसा एक आध बार हो जाता है। अच्छा, क्योंकि जर्मन वाले जो होते हैं उल्टी सोच वाले होते हैं, और हर डायरेक्शन से ऐसी कंपनी चली है उल्टी डायरेक्शन से चलेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन काफी काम आएगी, क्योंकि बिजनेस एक गाड़ी अगर एक सच्ची में बोलूं एक यूनिट्स के कंट्रोल हो, चाहे ये वाले हो, चीप नहीं देते कुछ, मारुति सुजुकी जैसा काड़ काड़ कुड़ कुड़ बज रहा है ऐसा कुछ नहीं, जो भी देते हैं ना प्रीमियम देते हैं, ये तो बात है। और एक बात बताओ, ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, और आप थाई सपोर्ट की अगर बात करो, लेग स्पेस की बात करो, अब अगर इस गाड़ी में अगर आप पीछे कभी बैठे हो, कभी पीछे वाले को दिए हो, ड्राइवर को दिया? हुआ नहीं है, पीछे बैठा नहीं हुआ, खुद ही चलाइए, खुद पीछे नहीं बैठा, खुद ही चलाइए, बाहर तो उतरो भाई साहब। सबसे बढ़िया बात, जैसे आप उतरते हो ना, उतरने के बाद ऐसा कभी हेड में ऐसे लगती है गाड़ी यहाँ पे छोटी है, ऐसा कभी नहीं? कंफर्टेबल। अब आप SUV का जमाना आ चुका है, XUV700, स्कॉर्पियो, बहुत सारे बंदे ले रहे हैं, थार ले रहे हैं, क्योंकि ऊंची गाड़ियां प्रेफर कर ले रहे हो। एक सेडान लवर जो 2019 में और आज तक भी ये गाड़ी का जो छोड़ा नहीं आपने, तो बंदा क्या है बोर सा हो जाता है सेडान में और SUV में स्विच करता है, आपके मन में क्या है विचार है, आपको बोर नहीं लगता? नहीं, सेडान इसके बाद में BMW लेगा, सेडान भी, क्रॉसओवर सेडान। अच्छा, उनके ज्यादातर की BMW के अगर M Sports की बात करते हो, X5 की बात करते हो, क्रॉसओवर है थोड़ी सी SUV, कूपे स्टाइल में, कूपे स्टाइल में, वो भी अभी सेगमेंट आने वाला है, लेकिन एक एज अ सेडान लवर हो आप बेसिकली, ये तो पता चलता है, और जर्मन लवर हो बेसिकली, आप तो गाड़ी बेचना नहीं चाहते, ये बोला? नहीं नहीं आपने। और सबसे बढ़िया बात, आप कभी बैठे नहीं हो पीछे, अभी ये बता दो भाई साहब, जो है 2019 वाला मॉडल है ये, जो वेंटो है ना यहाँ पे बता दो, ये इसमें इंटीग्रेटेड क्रोम फिनिशिंग, आपको यहाँ पे डोर गार्निश नहीं मिली थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो देती नहीं, वो एक्सेसरीज का ही पार्ट है वो। अभी इससे पहले वाला जो वेंटो आती थी ना, पहली वेंटो जो ऑटोमेटिक में थी टॉक कन्वर्टर में, उसमें सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड क्रोम फिनिशिंग, वो भी थोड़ा सा डी क्रोम फिनिशिंग में आता था, अब तो उन्होंने हटा दिया, टॉप में भी नहीं आता ये? नहीं, टॉप में भी आता है। अब अलॉय व्हील अपने योकोहामा की चेंज करवाए? नहीं नहीं नहीं, वही है वही है वही है। अच्छा, पीछे जब भाई साहब अभी कभी बैठे नहीं हो, अभी आज इस कैमरा के सामने आप बैठ के दिखाओ ऑडियंस को, कि जरा हम भी देखें कि कितना जो है वो कंफर्टेबल है आपके लिए। ओके, कैसा है अभी, हाउ इज योर फीलिंग, कैसे फीलिंग है? बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो। अच्छा, ये वाला पोर्शन थोड़ा अटक रहा है, आपकी जैसे फिजिक वाले जैसे बैठता है तो थोड़ा सा ऐसा आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो इस गाड़ी के साथ आराम से, और यहाँ पे आर्मरेस्ट तो आता ही है। खैर, आपको क्या लगता है, 5 पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल है ये? तेरे 5 तो हो रहा नहीं चाहिए, 4 4 कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेडान की एक खासियत एक बात होती है कि एक चिपक के चलती है रोड पे, रोड नहीं छोड़ेगी आपका, ऐसी भी थोड़ी सी ऐसी वॉबल करेगी अगर आप हाई स्पीड पे इधर उधर करते हो तो, लेकिन एक एज अ सेडान लवर आप क्या कहोगे, एक फोक्सवैगन की तरफ आप चले गए, दूसरी अगर कोई देखते हो, अगर कोई देखता भी है, इससे ये लेने से पहले कौन सी आपने मन में सोच के रखी थी गाड़ी, दूसरी कोई लूंगा इसी प्राइस सेगमेंट में? सेगमेंट में और प्राइसिंग में? सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, यही था मेरे दिमाग में, दूसरा कोई कार था ही नहीं। मतलब इतने प्यार है जर्मन में, तो जर्मनी तरफ चले गए, इससे बाद में क्या जर्मनी लेने का सोच रहे हो? ऑडी तो ऑफ
क्रेटा विया के लिए सोचा था मैंने स्कोडा, वही तो है, स्कोडा तो है, वही सेम सिमिलर प्लेटफॉर्म है, स्कोडा हो ऑडियो और फोक्सवैगन तीनों ग्रुप एक ही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म अलग है। हाँ, एक लोगो का फर्क है, एक आदमी स्कोडा और इसमें कोई, अभी कुशा का ही है, मेरे ही फैमिली मेंबर ने लिया है, सिमिलर वही परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बात है जो स्कोडा में नहीं है, मैं एक बता दूँ, बार तो बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप उतरते हो ना, ये जो यूनिट्स है ना, एक उनको सुधार करना चाहिए था। एक तो कैसा है ये गाड़ी, एक तो सेकंड फेसलिफ्ट है पुरानी वाली, तो ये जो हेडलैम्प उन्होंने व्हाइट लैम्प कर दिए, चेंज कर दिए, थोड़ा सा एक फेस चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, जैसी गाड़ी है वैसे, थोड़ी सी लेंथ में एक 2 मिलीमीटर बढ़ गई गाड़ी, हाँ कॉम्पैक्ट सेडान में। जैसे ये दरवाजा मैं खोलता हूँ ना ये गाड़ी का, ये जो मटेरियल है ना, ये उन्होंने चेंज नहीं किया, वही रखा है जो पोलो का है, वो चेंज उन्होंने करना चाहिए था। और ये ओल्ड स्कूल सा लगता है, ये जो काफी बोर हो चुके हैं लोग इससे, ये बहुत 10-12 साल पुराना इंटीरियर है, इसके मामले में क्या आपके विचार है, चेंज करना चाहिए था कंपनी ने, नहीं करना चाहिए ऐसा, अगर आप फेसलिफ्ट करते हो तो? इंटीरियर कभी मेरे लिए मायने था ही नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी लिए, हाँ हर टाइप के लोग थिंकिंग रखते हैं, विचार रखते हैं, तो मुझे ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए करता नहीं हूँ, ज्यादा बहुत कम म्यूजिक भी बहुत कम चलाता हूँ, तो मुझे उसका कुछ ज्यादा कुछ खास ये है नहीं भाई। बाकी वाइज चलाने वाइज 100-120 अगर क्रूज करते हो अगर हाईवे पे, क्योंकि बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज वगैरह काफी ठीक है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी 100 के 160 अगर आपने जिस टाइम छोड़ रखी थी गाड़ी उस टाइम आप कॉन्फिडेंट थे गाड़ी में, एक बार ऑडियंस को भी आपका जो है एक्सपीरियंस बता देना, आप इसको स्पीड में कितना भी चलाओगे ना उसमें कभी आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं, कॉन्फिडेंट ही लगेगा, ये मारुति जैसा नहीं कि 100 के बाद थोड़ा गाड़ी हिलना स्टार्ट होता है, या फिर हुंडई जैसा। ओके, और बिल्ड क्वालिटी वाइज कैसी लगती है गाड़ी, मोमेंटो चाहे पोलो सेम मटेरियल आता है, मतलब अभी के जो इसको भी अभी इसका एनकैप रेटिंग मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट बिल्ड क्वालिटी आप डोर क्वालिटी देख लो रिलेटेड टू मारुति और टाटा, नॉट टाटा, मारुति और हुंडई, तो उससे बहुत बेटर है, वो बेटर है। और सबसे बढ़िया बात ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल आपको लगता है एक्चुअली जब चलाते हो 1.5 लीटर का, ये माइलेज भी अच्छा देती है, माइलेज कितना लेती है फिलहाल तो बता देना, 18 का देती है और ऑन हाईवे 23-22 देती है, 20 इतना दे देती है 22 डीजल में, मतलब होंडा सिटी को भी उसने पीछे छोड़ दिया डीजल वो, इसकी कॉम्पिटिटर होंडा सिटी आती है, डीटेक इंजन आता है उसका, उसका 22 के एमपीएल बोलती है, लेकिन इसका 22 तेज देती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है वोक्सवैगन। और आज अगर बात करते हैं 2019 से 2024 में स्टिल रखना चाहते हो कि ऐसा स्विच करने का सोच रहे हो? कमाल, मैंने आज तक के बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस लिए, लेकिन ऐसा मैंने ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस लिया जो भी सेडान होने के बावजूद भी आज के डेट में जो एसयूवी का जमाना है बोर नहीं हुआ है, बोर नहीं यार। दूसरी बात यह है कि ये सेडान होने के बावजूद भी एसयूवी का जमाना है फिर भी वही गाड़ी रखना चाहता है, वही गाड़ी में स्टिल रहना चाहता है, क्योंकि जर्मन लवर की सोच ही अलग होती है और जर्मन उल्टे ही होते हैं अलग से, कि ये पता चली आज बात मुझे। और सबसे एक बात बताना लास्ट की बात अपने ऑडियंस को, ये गाड़ी अगर बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि रिसेल वैल्यू नहीं देगी इतनी, ये बात सच लगती है आपको? ये बहुत से लोगों की चॉइसेस होती नहीं है और बहुत से लोगों को ना वो डेरिंग नहीं होता है, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बहुत से परसेप्शन, मेंटेनेंस तो है भाई, मेंटेनेंस है नहीं, अगर आप करते हो परफेक्टली करते हो, लेकिन अगर हम बात करते हो ना कोई पार्ट वगैरह जाए तो मेरे ख्याल से कॉस्टली है, वो कैसा है कि आपके यूसेज के ऊपर पूरा डिपेंड है, अगर शोरूम मेंटेन है तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं, इनके मतलब जो शोरूम से वो भी सारे अच्छे इक्विप्ड है, प्रॉब्लम कभी आती नहीं, मुझे तो आज तक कभी आया नहीं, आज तक कभी आया नहीं। आप तेल पानी सब कुछ परफेक्ट रखते हो गाड़ी, तो ये था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस जी है महेश जी के साथ, जो भी वोक्सवैगन वेंटो 2019 मॉडल ऑन करते हैं जर्मन होते हैं ये उनकी सोच से पता चला। वीडियो देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।